हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल द जॉय ऑफ रीडिंग में बहुत स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसके बारे में आप में से काफ़ी लोगों को पहले से ही पता होगा, क्योंकि बॉलीवुड में एक मूवी इसके ऊपर बन चुकी है, सात खून माफ, जिसे विशाल भारद्वाज जी ने डायरेक्ट किया था और प्रियंका चोपड़ा ने लीड रोल प्ले किया था। ये मूवी जिस कहानी पर बेस्ड है उसका नाम है सुजैनास सेवन हस्बेंड्स, जिसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। ये ओरिजिनली एक शॉर्ट स्टोरी थी जिसे विशाल भारद्वाज जी ने रस्किन बॉन्ड जी को रिक्वेस्ट किया कि इसको थोड़ा सा आप बढ़ाएं, क्योंकि उनको इसमें एक फिल्म का प्लॉट दिखाई दिया शॉर्ट स्टोरी में। तो उनके रिक्वेस्ट पे रस्किन बॉन्ड जी ने इसे एक 80 पेजेस के छोटे उपन्यास के रूप में बढ़ाया। पर यहाँ मैं आपको जो ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी है उसी का सार बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। काफ़ी समय पहले दिल्ली में रहने वाली एक एंग्लो इंडियन महिला की कब्र से शुरू होती है। उस कब्र को स्थानीय बोलचाल में सात शादियां करने वाली औरत की कब्र ऐसे पुकारा जाता था। ये कब्र सुजैना एना मारिया ईट्स की थी। उसकी कब्र पे लैटिन भाषा में खुदा हुआ था कि वो सारे अनाथाश्रम, स्कूल, चर्च, जिस जिस को भी सुजैना की दरियादिली का लाभ मिला था, वो सभी उसके जाने पर दुखी हैं। आसपास कोई और कब्र नहीं थी। कहानी लेखक के नज़रिए से लिखी गई है। सबसे पहली बार जब उसने उस कोठी के अवशेष देखे थे, तब वो अपनी किशोरावस्था में था। शांत अकेली खड़ी वो कोठी कभी बहुत ही सुंदर और भव्य रही होगी, जहां अब झाड़ झंखाड़ और कांटेदार पेड़ उग आए हैं। अब इसमें बुरी आत्माओं का बसेरा माना जाता है। ये दो मंजिला कोठी ग्रैंड ट्रंक रोड पर ही खड़ी थी। कोठी की गेट के बाहर दुनिया अपनी गति से भाग रही थी और उस रोड से ये कोठी दिखती भी नहीं थी, पेड़ों की ओट में छुप गई थी। एक बहुत बड़ा पेड़ कोठी के अवशेषों में ही उग आया था, जैसे कि उसका गला घोट रहा हो। वैसे ही जैसे कि इस कोठी की मालकिन के बारे में सुनने में आता था कि उसने अपने एक साथी का गला घोट दिया था। एक ऐसी औरत जिसे बोर हो जाने पर अपने पति को बदल लेने की आदत थी। उसकी बुरी आत्मा अब भी यहीं भटकती है ऐसा माना जाता है। लेखक बताता है कि उसने कब्र भी जांची, कोठी के अवशेष भी खंगाले, सब झाड़ झंखाड़ों में भी घूम लिया, पर उसे कभी भी उस आत्मा ने नहीं सताया। शायद वो बहुत छोटा था इसलिए। पता नहीं वो आत्मा बुरी थी भी कि नहीं। अगर उसके बारे में प्रचलित कहानियां सही हैं तो फिर तो वो बुरी ही थी। उस उजड़ी कोठी में खजाना गड़ा हुआ है, ऐसी अफवाह है। उस औरत सुजैना की अकूत संपत्ति, पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस खजाने को ढूंढने की, क्योंकि एक सांपों का परिवार उसकी सुरक्षा करता है ऐसी मान्यता थी। लेखक नौशाद नामक एक आदमी से सच जानने की कोशिश करता है। नौशाद एक बढ़ई था जो यहीं कोठी के पास ही रहता था और उसके पिता ने ही इस कोठी के लिए फर्नीचर बनाया था। नौशाद ने बताया कि लेडी सुजैना पुकारा जाता था उसे। उसकी दौलत के कई दीवाने थे। वो ज़रा भी कंजूस नहीं थी, बहुत खुले दिल से खर्चा करती थी और शान से जीती थी। हर शाम अपनी बग्घी पर सवार होकर रोशनआरा बाग घूमने जाती थी। बहुत खूबसूरत भी थी, आदमियों को वो बहुत लुभाती थी, उसका धन भी। वो किसी को भी अपने साथी के तौर पे चुन सकती थी और चुन लेती भी थी, पर वो बहुत जल्द ही उससे बोर भी हो जाती थी। वो एक ज़मींदार थी और लगान वसूली के मामले में बहुत सख्त थी। नौशाद आगे बताता है कि 50 साल बीत गए हैं उसे मरे हुए, पर आज भी उसके बारे में बातें होती हैं। उसकी आत्मा अब भी भटक रही है, जो जब तब लोगों को दिखाई दे जाती है। लेखक ने पूछा, और उन सब पतियों का क्या हुआ? ज़्यादातर की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, नौशाद बताता है। डॉक्टर्स भी चकित थे। टॉमकिन साहब बहुत ज़्यादा पीते थे। सुजैना थक चुकी थी उनकी इस आदत से। मर ही जाता वो एक दिन इतना पी पी कर, पर सुजैना को दूसरे पति की जल्दी थी। धतूरा मिला दिया गया था उनकी विस्की में। बहुत कष्ट में नहीं देख पाती थी वो किसी को भी।
एक और पति की कोठी के पीछे की टंकी में डूब के मौत हुई, पर वो उसमें गिरने से पहले अधमरा हो चुका था। सुजैना के हाथ बहुत बड़े और ताकतवर थे, ऐसा सुनने में आता है। लेखक पूछता है, तो वो सबसे शादी क्यों करती थी? नौशाद बोला, उस समय सभ्य समाज में बिना शादी के रिश्ते कायम करना हेय दृष्टि से देखा जाता था। लेखक बोला, वो गलत समय में पैदा हो गई थी। नौशाद बोला, आप सही कह रहे हैं, पर उसके ज्यादातर पति पैसों के लालची थे, इसलिए उन्हें लेकर ज्यादा दुख करने की आवश्यकता नहीं है। उसने भी कोई दुख नहीं मनाया, किसी के भी जाने का। बाकी के पति कैसे मरे? लेखक ने पूछा। नौशाद बोला, कर्नल साहब की राइफल साफ करते वक्त गोली चलाने से मृत्यु हो गई। हालांकि गन लोड सुजैना ने करी थी बिना कर्नल की जानकारी के, ऐसा कहा जाता है। सुजैना की छवि ही ऐसी बन चुकी थी कि उसने कुछ नहीं भी किया हो तो भी उस पर शक हो जाता था। और चौथा पति? लेखक ने फिर पूछा। वो तो हैजा से मरा, नौशाद बोला। पर फिर से कुछ जने ऐसा भी कहते हैं कि आर्सेनिक जहर के भी एकदम यही लक्षण होते हैं, और जिस डॉक्टर ने ये पुष्टि की कि हैजा से ही मरा है, वो ही सुजैना का अगला पति था। तो डॉक्टर तो बहुत सावधान रहा होगा अपने खान पान को लेकर? लेखक ने पूछा। हाँ, उसकी मृत्यु सांप के काटने से हुई, नौशाद बोला। पर वो सांप सब सुजैना के पालतू थे, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, छठा कौन था? लेखक ने पूछा। छठा एक बहुत खूबसूरत आदमी था, पर दिवालिया हो गया तो उसने लेडी सुजैना की दौलत हासिल करनी चाही, पर लेडी सुजैना की चाहत कुछ और ही थी। उसने उसे बेहोशी की हालत में कान में पिघला सीसा डालकर सुला दिया। लेखक ने फिर सातवें पति के बारे में पूछा। नौशाद ने बताया कि वो एक नौजवान मजिस्ट्रेट था जो यहीं बाग में ही लुटेरों से सुजैना को बचाते हुए मारा गया। तो ये तो सुजैना की गलती नहीं हुई ना? लेखक बोला। नौशाद बोला, हुजूर, वो एक मजिस्ट्रेट था और लुटेरों में से एक के रिश्तेदार को उसने सजा दिलवाई थी, तो वो बदले की तलाश में थे, और बाद में उन्हीं में से दो को सुजैना ने अपने यहाँ काम पर रख लिया था। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए। और भी थे क्या? लेखक ने पूछा। पति तो नहीं, पर एक साहसी आदमी आया था जिसे सुजैना का खजाना मिल गया था, पर वो खुद ही खजाने के साथ वहीं दफन हो गया। कैसे मरा ये कोई नहीं जानता आज तक। और सुजैना, उसका क्या हुआ? लेखक ने फिर पूछा। उसने पूरी उम्र ली, बहुत अच्छी जिंदगी जी। उसे कोई बच्चा नहीं था, पर उसने एक अनाथाश्रम खोला और खुले दिल से खूब दान दिया गरीबों को, स्कूलों को और विधवाश्रम को भी। अगर उसको उसके पाप की कोई सजा मिलती तो वो शायद अगले ही जन्म में मिलती। ये जन्म तो उसने बहुत अच्छा निकाला। वो अपनी नींद में ही शांति से मरी थी, नौशाद बोला। आप उसकी कब्र ढूंढने मत चले जाना, वो अब गायब हो चुकी है। एक हाउसिंग कंपनी ने उस जगह पर काम करना चाहा था, पर काफी मजदूरों और एक कॉन्ट्रैक्टर को सांपों ने काट लिया। कभी कभी लोगों को रात में आत्मा भी दिखाई देती है जो अकेले आदमी वाली कारों को रोकती है। एक दो जने रहस्यमयी तरीके से गायब भी हुए हैं, और शाम के बाद एक पुराने जमाने की घोड़े वाली बग्घी भी रोशनारा गार्डन में चलती हुई नजर आती है। कभी आपको दिख जाए तो बिल्कुल ध्यान मत देना। उसके अंदर से कोई सुंदर औरत बात करना चाहे तो बिल्कुल जवाब मत देना। वो अब तक अपना आखिरी शिकार ढूंढ रही है, ऐसा नौशाद ने लेखक को बताया। तो कहानी यहीं खत्म होती है। अब दोस्तों, ये पूरी कहानी एक औरत के बारे में जो बातें फैली थी उस पर आधारित है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा हुआ ही हो, क्योंकि एक तरफ तो वो इतनी दरिया दिल और ज़रूरतमंदों की मदद करने वाली बताई गई है, और दूसरी तरफ साथ साथ पतियों की हत्या। दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग किस्म की हैं। अब वो औरत थी ही इतनी अमीर कि उससे जलन स्वाभाविक थी, तो हो सकता है कि सभी गांव वालों ने मनगढ़ंत बातें फैला दी हो। हालांकि बिना आग के धुआं नहीं उठता, हो सकता है कुछ तो रही होगी बात, पर उसके खिलाफ किसी को कभी भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सिर्फ परिस्थितियां ऐसी थी कि उस पे हर बार शक जाता रहा।
अब क्या सच क्या झूठ ये तो सुजैना और उसके वो साथ पति ही जाने। पर दोस्तों, आपको अगर इस फेमस कहानी का मेरे द्वारा किया गया हिंदी सार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल द जॉय ऑफ रीडिंग को सब्सक्राइब भी करें। जल्द ही एक और वीडियो के साथ लौटूंगी, तब तक के लिए विदा दीजिए।